Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Sayyid Sheikh. Khawateen o Hazrat, जैसे मैंने आपको अभी कहा है कि YouTube चैनल शेखैन जो है ये फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, हम अकेले नहीं काम कर रहे, हमारे साथ ऑब्वियसली डॉक्टर हजरात हैं, वकला हजरात हैं, एनजीओ में काम करने हुए लोग हैं, और आपने देखा गाहे वगाहे कितने ही माप के सामने इंटरव्यू जा रहा है डॉक्टर हजरात का या दूसरे प्रोफेशन का पेश करते रहते हैं, सो डैट एक सोसाइटी में अवेयरनेस। ये जो डॉक्टर हजरात को हम जहमत देते हैं, ये आपके लिए इसलिए देते हैं कि ये आपको ये बताते हैं कि आपका परहेज करना कितना जरूरी है, और थोड़ी सी एहतियात, थोड़े से हेल्थ टिप्स की वजह से अगर खवातीन हजरात हमारी सेहत अच्छी रहे तो कितनी अच्छी बात। आज वी आर लकी, हमारे साथ अगेन डॉक्टर फैज रहमान हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ लाए हैं, एंड वेलकम डॉक्टर फैज साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप तशरीफ ले आते हैं जब भी हम आपको जहमत देते हैं, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे जो व्यूअर्स के जो फीडबैक भी आता है जो व्हाट्सएप पे, वो आप उनका वैसे ही साथ साथ रिस्पॉन्स करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है ये है हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर टेंशन। और हाइपर टेंशन खवातीन हज़रात, जो मैंने सुना है, मुशाहदा भी है कुछ लोगों के साथ, कि हाइपर जो सेंसिटिविटी है, हाई ब्लड प्रेशर, ये एक काफी ही कहते हैं ना, ये जड़ है काफी सारी बीमारी, और इसमें इंसान की तबीयत क्या होती है, इसमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, और किस तरीके से हम ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। डॉक्टर फैज रहमान साहब, आप हमें ये बताएं, क्या ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोई एज फिक्स है, या किसी भी एज में ये हो सकता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए एज का शुरू में कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन बाद में सबसे ज्यादा यंग लोगों को होता है, और बाज़ुकात एंड ऑफ टीन एज में शुरू हो जाता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनमें बहुत कम पाया गया है ब्लड प्रेशर, यानी आमतौर पर टीन एज तक वो ब्लड प्रेशर से महफूज रहते हैं। उसके बाद दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप वो है जो यंग एज के लोग हैं, आमतौर पर 20 साल से लेके 40 साल के दरमियान, इनकी जो ब्लड प्रेशर है उनको हम बोलते हैं असेंशियल हाइपरटेंशन। मतलब 20 और 40 के दौरान, 20 और 40 के दरमियान, जब आप अपने यूथ पे होते हैं, जब आप अपनी यूथ पे होते हैं, तब हमें, तब क्या होता है डॉक्टर साहब? वो जब इन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है तो इनको हम कहते हैं असेंशियल हाइपरटेंशन। असेंशियल हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि दूसरे लफ्जों में जो अल्लाह की तरफ से हो गया है, हमें उसके सबब का नहीं पता। अच्छा, पहली बात जी। दूसरी बात, 80-90% दूसरे लोगों को जो ब्लड प्रेशर होता है, हमें उनकी भी वजूहात का अभी तक नहीं पता। सिर्फ 10-20% लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी किसी दूसरी बीमारी के बाद होती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और ये जो पहला ग्रुप है इसको असेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो ही ब्लड प्रेशर का किसी का पता चलता है कि हाई रहना शुरू हो गया है, तो इमीडिएटली नमक बंद कर देते हैं, अंडा बंद कर देते हैं, जर्दी वगैरह, तो ये फिर इसका तअल्लुक तो है ना इन चीजों के साथ डॉक्टर साहब? जी, मैं बताता हूँ। पहली बात, पूरी दुनिया में आज तक सिर्फ एक बात साबित हो चुकी है कि नमक का ब्लड प्रेशर के साथ कोई ताल्लुक जरूर है, ये सारी दुनिया मानती है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ कि क्या नमक ही सबब है, ये आज तक क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, यस। दूसरी बात, अंडे की जर्दी हम खास तौर पे इसलिए मना करते हैं कि ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जो खून नालियों में गर्दिश कर रहा है उसको रेजिस्टेंस ज्यादा बर्दाश्त करनी पड़ रही है, रगर नालियों के साथ, ब्लड रगर के साथ जब गुजरता है उसी का नाम ब्लड प्रेशर है। अब
अब एक तो ऑलरेडी रगर है रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। दूसरी अगर उसके अंदर चिकनाई का लेवल भी ज्यादा हो गया तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी और सही है। उसको स्ट्रोक फालज होने का खतरा हो जाएगा। ओहो इसलिए इसलिए हम अंडे की जर्दी को रोकते हैं कि हमारे जो अंडे इस्तेमाल में हैं उसमें निस्बतन कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। बाहर के मुल्कों में जो इस वक्त अंडे हैं वो तकरीबन बहुत कम कोलेस्ट्रॉल वाले हैं। अच्छा, हमारे अंडा तो मुल्क में अंडा जो तो अंडे हैं, रख सब अंडा तो अंडा ही होता है फॉर ए लेमैन। ना ना अच्छा ना, जी, फर्क है। पूरी दुनिया में उन्होंने जेनेटिक ब्रीडिंग करके उनके मुल्कों में जो अंडे वो हासिल कर रहे हैं उसमें 10-20 मिलीग्राम से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं है। लेकिन हम जो फीड देते हैं मुर्गियों को वो फीड बीफ से आती है, बड़े गोश्त से आती है। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बहुत जी अहम बात माशाल्लाह जी कर रहे हैं। जी एक अंडे में, हमारे एक अंडे में 180 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल है। 180 मिलीग्राम एक 80 अंडे की जर्दी में मिलीग्राम एक कोलेस्ट्रॉल अंडे है। में कोलेस्ट्रॉल है। ज्यादा से ज्यादा कोई जवान आदमी एक अंडे से ज्यादा जर्दी इस्तेमाल ना करे। सफेदियां चाहे 10 अंडों की इस्तेमाल कर ले, सही, वो जर्दी क्या करें? एक तो तरीका यह है कि जो जर्दी बच जाए, जो पतले बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, जो भागने वाले बच्चे हैं, उनको इस्तेमाल करवा दी जाए। दूसरा, अच्छा अगर डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो एक मुझे एक आदमी एक नॉर्मल आदमी है, कभी उसको हाइपर सेंसिटिविटी का डायग्नोज नहीं हुई, अब उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी तबीयत की कौन सी अलामत होंगी तो वो ये समझे कि मुझे कोई ऐसी इशू है मेरे अंदर, तो वो डॉक्टर साहब के पास जाए। सबसे अच्छा पॉइंट अब आपने पूछा है। इसको हम मजमुई तौर पर हाइपरटेंशन को बोलते हैं, साइलेंट किलर। इसकी कोई खास अलामत नहीं है। सही है। कुछ लोगों को मामूली सा सर दर्द शुरू होता है, कुछ लोगों को कमजोरी महसूस होती है, कुछ लोगों को सर में नब्ज चलती हुई महसूस होती है, कुछ लोगों को उल्टी वाली तबीयत या बेचैनी वाली तबीयत होती है। और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं अपने किसी और मसले के लिए तो डॉक्टर सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करके बताता है कि आपको तो ब्लड प्रेशर है। कुछ लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है। इसकी मुख्तलिफ अलामतें हैं, कोई खास अलामत नहीं है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। कई लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, 10 से 20 साल तक उनको पता नहीं चलता। लेकिन डॉक्टर ये जो आपने अलामत बताई है कि नींद कईयों जी की कम हो जाती है, कईयों को बतली फील होती है, ये तो कॉमन सी अलामतें हैं। ये कॉमन है, हाँ इसीलिए जी इसीलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। ठीक सरदर्द है। की गोली खा ली, कुछ और खा लिया, तो वो ब्लड प्रेशर अपना चेक नहीं करवाते। अच्छा, जब एक बार किसी एक बंदे को जब ये ऐसी अलामत हुई, वो बंदा या बंदी डॉक्टर साहब के पास गया, और उन्होंने क्या डॉक्टर साहब, अगर एक बार बीपी हाई आने से क्या वो बीपी का पेशेंट कहलाएगा, या उसकी कोई डायग्नोस करने के कोई प्रोसीजर SOP या कोई? बहुत अच्छा सवाल है। एक लफ्ज आजकल ये भी इस्तेमाल हो रहा है, प्री हाइपरटेंशन, यानी असली हाइपरटेंशन से पहले 10 और 20 ग्रेस पीरियड है। यानी आम तौर पे जो हम ब्लड प्रेशर लेते थे कि बड़े लोगों का 140 से ऊपर हो, तो अब हम 130 से ऊपर कोई खतरा समझते हैं। इसको कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। ठीक अब है। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि कौन सी लिमिट है, एक एवरेज लिमिट हमने बनाई हुई है कि जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो 80, ठीक उसको है ठीक डायास्टोलिक बोलते हैं, है जी, और जो ऊपर वाला है वो 120, जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। मतलब 120/80 अगर बीपी है, हम समझते हैं वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है। अब अगर इससे 10 बढ़ गया, नीचे वाला 90 हो गया या ऊपर वाला 130 हो गया, तो ये प्री हाइपरटेंशन है। अभी उसको हाइपरटेंशन हुई नहीं,
लेकिन वो उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, अब कुछ एहतियात आ सकती है। जी जी। दूसरी बात, अगर किसी को एक दफा डिक्लेयर्ड हो गया कि ब्लड प्रेशर इसको है, तो सवाए उन लोगों को जिनको सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, यानी किसी बीमारी के बाद हुआ है, मसलन डायबिटीज के बाद हुआ है, शुगर की बीमारी के बाद हुआ है, तो अगर हमने शुगर को कंट्रोल कर लिया तो उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइमरी या असेंशियल हाइपरटेंशन है तो ये ठीक नहीं होगा, उसको सारी जिंदगी एहतियातें करनी पड़ेगी और दवाई भी खानी पड़ेगी। सही है, सही है। अच्छा डॉक्टर, लेकिन मेरा जो सवाल है वो तो ये था ना कि एक बार फर्स्ट टाइम एक आदमी की ऐसे ही सिम्टम थे सर में, उसके ऐसे लग रहा कि नब्ज चल रही है, वो कुछ सिम्टम लेकर डॉक्टर साहब के पास जाता है, उसकी एक रीडिंग लेते हैं डॉक्टर साहब, वन फर्ज करें 140 एंड और नीचे वाला जो है ना वो 100 आता, और क्या उस एक रीडिंग से ही उसको वो डिक्लेयर कर देंगे कि तुम पेशेंट हो, या उसको कहेंगे कि तुम चार्ट वगैरह बनाओ अपना बीपी का, कुछ दिन उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, किसी भी बीमारी में एक रीडिंग के बाद हम डिक्लेयर नहीं करते। कोई भी बीमारी हो उसकी मुख्तलिफ सेटिंग में, मुख्तलिफ हालात में हम उसका ब्लड प्रेशर का चार्ट बनाते हैं। ठीक है, और दो तीन दफा मुख्तलिफ औकात में अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा आए तो फिर हम उसको डिक्लेयर करते हैं। सिंगल रेटिंग के साथ किसी भी बीमारी को हम लेबल नहीं करते। और फिर हम अपना इंस्ट्रूमेंट भी चेक करते हैं कि कहीं हमारे इंस्ट्रूमेंट की गलती से तो नहीं आ रहा, तो ऐसे हर फैक्टर नजर में रखते। ऐसा जो पेशेंट है उसको फिर बीपी की दवाई शुरू करा देते हैं या कुछ चार्ट बनाते हैं, जैसे कि एक आध हफ्ता अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं? सिर्फ एक हफ्ता नहीं, हम 3 महीने अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। ठीक ठीक, मतलब कि 3 महीने वो बंदा या बंदी डॉक्टर साहब के अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा, डॉक्टर साहब उनके चार्ट देखेंगे सुबह दोपहर शाम की, शायद वो रीडिंग लेते हैं, ये बताइएगा डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, हम मुख्तलिफ औकात में रीडिंग लेते हैं और फिर बाज़ुकात हम बैठा कर, बाज़ुकात लटा कर और बाज़ुकात खड़ा करके भी रीडिंग लेते हैं। क्योंकि उसको बोलते हैं पोस्चरल हाइपरटेंशन। कुछ लोग एकदम बैठे बैठे सडन जब खड़े होते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, कुछ लोग खड़े से बैठते हैं तो बाज़ुकात उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो सारे फैक्टर्स हम देखते हैं, और अगर शुरू से ही पहले ही 2-3 दिन में हमें पता चला कि इसको तो कई साल से ब्लड प्रेशर है, तो फिर हम दवाई शुरू के कुछ दिनों में शुरू कर देते। अच्छा ठीक है, तो मतलब एहतियाती तौर पर वो शुरू कर देते हैं उसकी दवाई। अच्छा, इसमें कोई ब्लड टेस्ट भी करते हैं डॉक्टर साहब या सिंपल जो इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट है बस? ब्लड प्रेशर के मरीजों का हम आम तौर पे सबसे जो जरूरी टेस्ट करवाते हैं वो लिपिड प्रोफाइल है, मुख्तलिफ चिकनाइयां देखते हैं, क्योंकि ये कोफैक्टर है। कोफैक्टर ये है कि खास तौर पे जो शुगर के मरीज हैं, खास तौर पे जो चिकनाई वाले ज्यादा मरीज हैं जिनके ब्लड में चिकनाई ज्यादा है, उनको ब्लड प्रेशर ज्यादा होने का चांस होता है और ब्लड प्रेशर बिगड़ने का भी उन्हीं को चांस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुगर भी चेक कराते हैं। अच्छा, आप शुगर भी टेस्ट करवाते हैं, आपने मतलब तीन चीजें की हैं कि अगर आपकी डाइटिंग हैबिट्स, अगर आप कोलेस्ट्रॉल ज्यादा लेते हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हैं। बिल्कुल ज्यादा। अगर आप जो लोग गोश्त ज्यादा खाते हैं, हाँ जी गोश्त ज्यादा खाते हैं, खासतौर पे गोश्त, सबसे ज्यादा चिकनाई गोश्त के जरिए आती है, ये घी के जरिए नहीं आती। ठीक 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 ठीक। अच्छा, गोश्त में डॉक्टर साहब ज्यादा फिश भी शामिल है गोश्त में या फिश? ये एक मेरा जाती पॉइंट नोट कर ले, ये मेरा पर्सनल पॉइंट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे मुल्क में जो मछली और जो मुर्गी का गोश्त है, इसको जो फीड डाली जाती है वो ज्यादातर बचे हुए बीफ की डाली जाती है। इसलिए हमारी मछली भी फार्मिंग है, हमारी पोल्ट्री भी फार्मिंग है, इसमें चिकनाई का लेवल ज्यादा है।
बाहर के मुल्कों की निस्बत। सही, ये मेरी जाती राय है। ठीक ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप बता रहे थे कि अब उस बंदे को जब 3 महीने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, उसकी अगर बीपी वाकई कॉन्स्टेंटली ऐसे ही उसका ग्राफ नजर आ रहा है, आप उसको बीपी पेशेंट डिक्लेयर कर देते हैं, उसके लिए बीपी की फिर जो दवाई है, अद्वियात है, वो आप शुरू करा देते हैं फिर। जी, ब्लड प्रेशर की अद्वियात 3 किस्म की हैं। हम सिंपल और एक से शुरू करते हैं। अगर एक से कंट्रोल ना हो तो फिर उसको कंबाइन करते हैं दूसरी दवाई के साथ। ठीक है। अगर दूसरी के साथ भी स्टेबल ना हो तो उसके साथ तीसरी दवाई शामिल करते हैं। इसको कंबाइंड थेरापी बोलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मरीज ऐसे हैं जिनका रेजिस्टेंट ब्लड प्रेशर होता है, 3 दवाइयों से भी बाज का कंट्रोल नहीं होता। चाहिए चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब एक बीपी का जो पेशेंट है, अब उसने दवाई भी शुरू कर दी, अगर वो 3-4 महीने बाद उसका बीपी नॉर्मल आना शुरू हो जाता है, क्या उसको हम कह देंगे आप तो बीपी के ठीक हो गए, तुम्हारी सेहत ठीक है? क्या ये ठीक बात है? ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, ये क्योर कभी नहीं होता। ठीक है। ये अद्वियात हम कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। हम तब्दील कर सकते हैं, कम कर सकते हैं ताकि वो कंट्रोल रहे। शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये कभी भी खत्म नहीं होती, क्योर नहीं होती, ये सिर्फ कंट्रोल हम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने शुगर और ब्लड प्रेशर का भी जिक्र करते करते 2-3 बार आपने शुगर का नाम लिया है, क्या ब्लड प्रेशर का और डायबिटीज का कोई ताल्लुक है आपस में सर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जी। ये जहन में रखें कि शुगर के ज्यादा मरीजों को ब्लड प्रेशर हो जाता है, लेकिन एक अहम पॉइंट समझे, शुगर बजाते खुद ब्लड प्रेशर होने का सबब नहीं है, लेकिन शुगर के मरीजों को हो जाता है। अच्छा, शुगर बजाते खुद ब्लड प्रेशर होने का सबब नहीं है? सबब नहीं है, लेकिन शुगर के ज्यादा लोगों को बाद में ब्लड प्रेशर भी हो जाता। अच्छा, हो जाता। ये इसकी एसोसिएशन है, बिल्कुल जिस तरह नमक के साथ एसोसिएशन। ठीक 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 ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक है जी। आज का टॉपिक में, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर को आज का टॉपिक नहीं है, वो फिर हम किसी और दिन करेंगे, लेकिन ये बता दीजिएगा एक बंदे को हाई ब्लड प्रेशर है या एक बंदे को लो ब्लड प्रेशर है, दोनों में से जो है खतरनाक हालत किसकी है, सेंसिटिव हालत किसकी कहेंगे? सबसे ज्यादा खतरनाक हाई ब्लड प्रेशर है। लो ब्लड प्रेशर इतना खतरनाक नहीं, सिवाय के कुछ हालतों में जब बहुत ही ज्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाए, अदरवाइज हाई ब्लड प्रेशर क्यों खतरनाक है, ये सबसे ज्यादा 5 ऑर्गन को नुकसान देता है। 5 ऑर्गन को नुकसान देता है, वो कौन जिसको कौन हम वाइटल ऑर्गन बोलते हैं। सबसे ज्यादा ये गुर्दों को नुकसान देता, सबसे ज्यादा किडनीज को नुकसान देता है। ठीक, फिर उसके बाद ये दिमाग को नुकसान देता है। फिर उसके बाद ये दिल को नुकसान देता है। फिर ये लिवर को नुकसान देता है। फिर उसके बाद ये हमारे जो दूसरे सिस्टम्स हैं उनको भी डिस्टर्ब करता है। अक्सर ये फॉलेज का सबब भी तो बन सकता है ना, ये अगर हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो। सबसे ज्यादा जो फॉलेज का सबब बनते हैं वो डायबिटीज है, शुगर है। दूसरे नंबर पे फॉलेज और जो दिमाग की रग फटती है, जिसको हम हेमरेज बोलते हैं, उसका सबब ब्लड प्रेशर। उसका सबब ब्लड प्रेशर। ठीक है। जो दिमाग की रग फटी है वो ब्लड प्रेशर। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब एहतियाती तदाबीर बता दें, एक तो उस बंदे को लिए जो आज माशाल्लाह सेहतमंद है, वो अगर बीपी से बचना चाहता है, हाई ब्लड प्रेशर से, उसको अपनी खुराक में क्या क्या और रूटीन में एक्सरसाइज में क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, पहले ये बता दें। फिर दूसरा पेशेंट जो है बीपी, उनके बारे में बता दें। पहले तो हेल्दी पर्सन के बारे में बताएं। सबसे पहले कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं। हमारे कल्चर में लोग लजीज खाने बहुत ज्यादा खाते हैं। वही खाना लजीज बनेगा जिसमें चिकनाई ज्यादा होगी, जैसे सिरी पाए हैं, नहारी है, मगज है, इसमें चिकनाई बहुत ज्यादा है।
अगर आपने जरूर खाना है तो महीने में एक दफा खा लें, लेकिन इसको रूटीन ना बनाए। बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात। दूसरे नंबर पे, जी डॉक्टर साहब, दूसरे नंबर पे बहुत ज्यादा लोगों को गोश्त खाने का शौक है, जिसको हम बोलते हैं कि वो चस्कोले हैं, उनको होटल में जाके कढ़ाई अपने सामने बना के खाने का शौक है। ये मुख्तलिफ शोबों के लोग खाते हैं, उसमें मक्खन डाला होता है, उसमें घी भी डाला होता है, बड़ा ज्यादा घी में डाला होता है। और ये जो घी इस्तेमाल करते हैं होटलों वाले, ये घी भी खतरनाक है। लिहाजा मेरी एक पॉइंट है कि अगर आपने जरूर गोश्त खाना है तो आप जो कोयलों के ऊपर गोश्त भूनते हैं, जो टिक्के कोयलों के ऊपर बनाते हैं, वो इस्तेमाल कर उनको, इसलिए 20% चिकनाई कोयलों के ऊपर गिर जाती है और बाकी पीछे 20% रह जाती है। बड़े जबरदस्त आपके टिप चल रहे हैं। एक और टिप ऐसा बता दें डॉक्टर साहब, एक तो आपने खुराक का बता दिया, गोश्त का बता दिया, अगर खाने ही है तो ऐसे खाएं, क्या दूध में का इस्तेमाल वो बंद कर दे, दही का इस्तेमाल बंद कर दे, या दही कुछ नहीं कहता हमें? दही और दूध बिल्कुल कुछ नहीं कहता। गुड। इसके अलावा एक और पॉइंट सुन ले, अखरोट और बादाम, अखरोट और बादाम ये चिकनाई नहीं करते, ये चिकनाई को कम करते। ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, भी आप समझ ले, मतलब दिस इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, तो इसका तो अच्छा डॉक्टर साहब ये बता देंगे, जो हमारे जो खवातीन हजरात जो हमारे ब्लड प्रेशर की पेशेंट बन गए हैं, उनके लिए एहतियात क्या करनी चाहिए? एक तो वो दवाइयाँ खाएं जो डॉक्टर साहब ने कहा है, दूसरा रूटीन में क्या वो तब्दीली लाएं, एक्सरसाइज क्या करें? सबसे पहले एक पॉइंट समझ ले नमक के हवाले से, नमक बिल्कुल खत्म नहीं करना। ठीक, जितना नमक आपके खाने में रूटीन खाने में है वो उतना ही रहने देना है। आपने एडिशनल नमक, जो अजाफी नमक हमारे कल्चर में है कि अमरूद खाते हुए भी नमक लगाना है, फ्रूट खाते हुए भी नमक लगाना है, मसाले भी खाने हैं, मटर संतरा खाते हुए भी नमक लगाना है, हाँ। जी, और हत्ता के ये तरबूज खाते हुए भी नमक लगाना है, फ्रूट के साथ नमक लगाना बंद कर दें, सिर्फ और सिर्फ जो खाने में नमक है वो जारी रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मसाला जात नमक ना ले, जो मसाला जात है, चाट मसाला, ये भी ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट करते हैं? ये इतना नहीं करते, ठीक है, सिर्फ नमक ही ज्यादा करता, मिर्चें नहीं करते। अगर मिर्चें बहुत ज्यादा खाता है उसमें तो व्याकार होगा फर्क उसका? नहीं, मिर्चियों का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर। उसके बाद जो एहतियात है, ये मेरी जाती राय है, मैं एक आपको टिप देने लगा हूं कि कौन सी सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल की जाए, ये मेरा जाती टिप है जी, मेरा एक्सपीरियंस है। पहले नंबर पे कद्दू, और कद्दू के साथ वाली फैमिली घिया, तोरी, मारू, टींडे, घिया चटनी, ये कद्दू ग्रुप है, ये सबसे पहले नंबर पे है। ये ज्यादा खाएं, ये नबियों का खाना है, ये बहुत ज्यादा खाएं। ठीक है, दूसरी सब्जी सबसे ज्यादा जो खाएं वो शिमला मिर्च है। तीसरी लेडी फिंगर, जिसको खाली भिंडी बोलते हैं। चौथे नंबर पे शलजम, जिसको हम पंजाबी में गोंगलू बोलते हैं। सही बात। टर्निप। पांचवे नंबर पर बंद गोभी। हमारे मुल्क में ये सलाद में जो इस्तेमाल करते हैं, बाहर के मुल्कों में पकाकर भी खाई जाती है बंद गोभी। और तीन तरह का वो सब्जियां जो हम सलाद में इस्तेमाल करते हैं, खीरे, मूली और गाजर, इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्रूट का बता दें, कुछ फ्रूट कौन से होंगे सप्लीमेंट जो करेंगे? हर फ्रूट जिसका सीजन स्टार्ट हो, जिसका मौसम शुरू हो और वो सस्ता मिले, खास तौर पर सेब है, उसके बाद आपका अमरूद है। एक टिप और देता हूं, अमरूद और गाजर का जूस आपकी स्किन और खूबसूरती के लिए बहुत अच्छी है। जबरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत जबरदस्त। और कोई आप इस मामले में तो वाइंड अप करते हुए
आप कुछ इसमें कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि टाइम की कमी है, आप कोई ऐसे टिप्स बताएं जो अभी रह गए हैं, जरूर बताएं डॉक्टर। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूं कि गोश्त का इस्तेमाल कम करें। ठीक है, दुनिया के 70 मुल्कों में गोश्त इस्तेमाल ही नहीं होता। हमारे मजहब में गोश्त हराम नहीं, हलाल है, लेकिन उसको चस्के का जरिया ना बनाए, बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग का जरिया ना बनाए। किसी भी चीज की जो एक्सेस होगी वो नुकसान दे। और ये जहन में रखें कि जो हमारी जिस्मानी ताकत है ये गोश्त की वजह से नहीं है, ये सब्जियों से ज्यादा ताकत मिलती है। सिर्फ एक चीज इस्तेमाल करें कि सब्जियां मिक्स करके पकाएं, एक दो सब्जियां मिक्स करके पकाएं, वो अमाइनो एसिड ज्यादा मिल जाएंगे। सही बात। नमक का इस्तेमाल कम करें, नमक उतना ही इस्तेमाल करें जितना सिर्फ खाने में है, एडिशनल नमक ना इस्तेमाल करें। नंबर तीन, समंदर का नमक इस्तेमाल करें, नमक कान वाला नमक ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप बड़े मुख्तसर से वक्त में खवातीन हज़रात डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब ने हमें कितने ही यूजफुल टिप, हमेशा परेशान करती हैं, लेकिन काफी सारी चीजें जैसे डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब ने बताया है, काफी सारी चीजें इंसान के अपने हाथ, खुराक की क्वान्टिटी, खुराक की सिलेक्शन और उसकी क्वालिटी, नमक का इस्तेमाल, अंडों की ज्यादती या किसी भी चीज की ज्यादती, रोज खाना तो बहुत ज्यादा खा लिया, एक्सरसाइज नहीं करनी और ज्यादा अपनी रूटीन हैबिट्स, तो डॉक्टर साहब ने जो बताने बताया है, मैं जो उनसे मैं समझाऊं कि काफी सारी चीजें हमारे अपने पास में, अगर हम चाहें तो अपने से ये जो बीमारियां हैं जिसको अक्सर कहते हैं जी कि एक जो है लेट एज में ये बीपी हो ही जाता है, तो भाई काफी सारी चीजें जो है ये हमारे अपने पास में है, अगर आप अपनी रूटीन का, कोलेस्ट्रॉल का और अपनी रूटीन का ख्याल रखेंगे तो काफी सारी परेशानियों से, बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत ज्यादा यूजफुल टिप्स दिए हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जिसकी जजा देगा। आपका इस शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप और आप अगर कुछ मजीद ऐड करना चाहें डॉक्टर साहब बताएं। एक्सरसाइज के बारे में एक पॉइंट रह गया, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा भाग दौड़ का नाम नहीं है। सबसे पहले घर के अंदर एक्सरसाइज नहीं हो सकती, आप घर से जरूर निकलें। नंबर दो, एक दफा घर से जरूर बाग की तरफ जाएं और चाहे आम चहल पहल करें, आम तरीके से स्टेप के साथ चलें और 15 मिनट की वॉक जरूर करें। मतलब कम से कम 15 मिनट की वॉक जरूर करें, ये डॉक्टर साहब ने कहा 15 मिनट की जरूर करें। और ओवर मतलब ओवर स्ट्रेस नहीं लेना, हम लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, ट्रैफिक में है तो एक गाड़ी आगे से गुजर गई, हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है, अपनी कुछ आदतें भी तो डॉक्टर साहब हमें कम करनी, मतलब कि सेट करनी पड़ेगी ना। एक हल्के से हल्का सा मामला होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को हमने कंट्रोल भी करना, खुद इतना कंट्रोल करना है कि बर्दाश्त को इंक्रीज करते जाना है, अदरवाइज आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। और अपनी बर्दाश्त को ज्यादा करें और अपने काम की जो काम करते हैं, यस काम हमें करना चाहिए, 10 घंटे करें, 12 घंटे करें, लेकिन साथ साथ उसके साथ अपनी खुराक का, अपनी सेहत का, अपने आराम का ये लाजमी ख्याल है। एक आदमी अगर काम सर काम को इबादत समझ कर करें कि अल्लाह इसका अजर देगा। चलो खवातीन हज़रात, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत यूजफुल टिप है। आए हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, और क्योंकि जो सेहत तंदुरुस्ती है ये बड़ी खूबसूरत अल्लाह ताला की नेमत है। जिंदगी तो वैसे बड़ी खूबसूरत नेमत है, इसको सेहतमंद तरीके से कैसे दिया जाता है, तो कई चीज़ें जो हमारे हाथ में है वो हम जरूर, और दूसरी दुआ हम ये करें कि अल्लाह ताला जिन लोगों को बीमारियाँ हैं, जिन्हें बीमारियाँ लाहक हो गई हैं, जो मरीज बन गए हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, उनका इलाज अच्छा हो और अल्लाह ताला उनकी रूटीन ऐसी हो कि उनकी जो तकलीफें हैं वो अल्लाह ताला उनसे दूर कर दे, उनको शिफा दे और उनको खुशी वाली जिंदगी दोबारा। खवातीन थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, और इंशाल्लाह ऐसे ही टॉपिक के साथ अंदर भी आपके पास आते रहेंगे। आपके जो सवाल जो आप जरूर पूछें, डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब अवेलेबल हैं, ये आपको उसमें जवाब देंगे।
और आपने इन्हें चेकअप कराना हो, ये लाहौर में अवेलेबल होते हैं और अदरवाइज भी आप दुनिया के किसी किसी कॉर्नर पे। अभी हमें व्हाट्सएप काफी सारे आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, डॉक्टर साहब ने उनको प्रॉपरली गाइड किया है। खवातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे विद शेख एंड थैंक यू वेरी मच।